हाय गाइस, वेलकम बैक टू हाउसवाइफ कॉर्नर। और आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ड्रीम किचन को घर पे कैसे साफ करें। तो ये है मेरा ड्रीम किचन जो कि इसमें डस्ट लग गया है, तो उसको मुझे कैसे रिमूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे, गर्म मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी, और इसमें मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला है, और आप चाहो तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आप बर्तन में पानी ले लिया, मैंने ये शैम्पू डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा इसमें हल्का सा मिला लेते हैं जिसमें झाग आ जाए। उसके बाद ये बर्तन मेरे ड्रीम किचन के छोटे पड़ गया, तो मैंने इसमें जो बड़ा बर्तन लिया है उसमें ये मैंने वापस से पानी को डाला है, और वापस से ड्रीम किचन को उसमें छोड़ा है। 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट करने दीजिए इसमें, इससे डर्ट थोड़ा सा अपने आप से रिमूव होगी। फिर उसको आपको हैंड से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ये 15 से 20 मिनट बाद मैंने थोड़ा सा हाथ से जैसे हटा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा स्मूथ तरीके से हटाना है जिससे इसके फायदा ख़राब ना हो जाए। ये थोड़ा मैं क्लीन कर रही हूँ इसको, ये देख सकते हो आप इसमें डस्ट लग गया है वो। ये थोड़ा सा मैंने टूथब्रश का यूज़ किया है जिससे आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं, मतलब ब्रश को हल्के हल्के से डर्ट को हटा सकते हैं। ये देखते हैं आप, मैंने इसको धीमे धीमे से क्लीन किया है। अब मैं इसको जो साफ पानी है उसमें एक बार निकाल लेती हूँ। ये निकाल लिया है, थोड़ा सा मुझे क्लीन लग रहा था कि ये क्लीन हो गया है। अब इसको थोड़ा एक पेपर या जो पेपर टॉवल में या किसी में थोड़ा सा वो कर लेते हैं जिससे इसका जो पानी है ना वो इजीली निकल जाए। टॉवल में रख के साफ कर लीजिए कैसे। उसके बाद मैंने इसको हैंग किया है अपने आप से ड्राई होने के लिए। ये देखो हल्का सा ड्राई हो गया, नीचे से हल्के से फैदर अपने आप से खुल गए हैं। अब मैं थोड़ा टूथब्रश की हेल्प से इनको वापस से थोड़ा सा खोला हुआ है, थोड़ा सा एक बार ब्रश मैं पीछे के लिए भी हल्का सा कर देती जिससे जो आगे के साइड को चिपक गए थे ना वो थोड़े से खुल गए हैं। ऐसे ऐसे करके मैंने सारे जो थोड़ा सा हर ब्रश में, ये देखो ये मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ इनको टूथब्रश की हेल्प से, और ये आगे वाले मैं कर रही हूँ। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैंने फ़ैन में छोड़ दिया जिससे ये फैदर अपने आप से उड़ के ठीक हो जाए, और ये हो गया है, देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।